नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूरोप चैनल फीएसटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आई है, सीजीएल 4 की वैकेंसी कब आएगी और कितने पदों पर यह वैकेंसी निकल के आ रही है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके बात करने वाले हैं। क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा लगातार फोन कॉल किया जा रहा है, मैसेज किया जा रहा है, सर सीजीएल 4 पर अपडेट दीजिए, क्योंकि काफी दिनों से सीजीएल 4 पर आप अपडेट नहीं दिए। सरकार भी चेंज हो चुकी है सर, नया सरकार गठन भी हो चुका है, फिर भी आप वीडियो नहीं बना रहे। तो दोस्तों क्योंकि हमें अपडेट नहीं मिल रहा था इसलिए हम वीडियो नहीं बना रहे थे। अभी अपडेट मिला है तो हम आपको वीडियो बना के अपडेट कर रहे हैं। सीजीएल 4 की वैकेंसी कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, रोस्टर क्लियरेंस हुआ है या नहीं, आयोग के पास आया है रिक्ति का नहीं, सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बिहार में बीएसएससी सीजीएल 4 वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे जो विभाग की तरफ से निकल के आई है। तो दोस्तों जहां से हमें अपडेट मिलती है, जहां से हम आपको सीजीएल 3 के बारे में अपडेट ऑथेंटिक और सही अपडेट देते थे, वहीं सभी अपडेट निकल के आई है। मॉर्निंग में बातचीत किए हैं, लगभग 9:30-10 बजे के बीच में बातचीत हुई है, अभी जस्ट बातचीत हुई है, उसके बाद हम आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। तो दोस्तों बातचीत यही हुआ, जो नई सरकार गठन हुआ या नहीं भी हो सकता था, फिर भी रोस्टर क्लियरेंस अभी ध्यान सुन लीजिए नहीं हुआ है, रोस्टर क्लियरेंस अभी नहीं हुआ है। क्योंकि जो आयोग के पास जो रिक्ति आया था, जो आयोग के पास तो पुराना नियमावली पर रिक्ति भेजा गया था, तो आयोग फिर से जो है सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया और सामान्य प्रशासन विभाग अभी तक रिक्ति जो है आयोग को नहीं भेजा। तो इस महीना के देखिए 20 फरवरी तक आपको रिक्ति सामान्य प्रशासन विभाग आयोग को भेज देगा, बिहार एसएससी को भेज दिया जाएगा। तो आपको जो है सीजीएल 4 की वैकेंसी फरवरी के लास्ट सप्ताह में या मार्च के प्रथम सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई पहले कह रहा है जो नहीं इससे पहले वैकेंसी आ रही हो तो गलत कह रहा है, क्योंकि हमेशा सही और ऑथेंटिक ही हम आपको न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों अभी अपडेट यही निकल के आ रही है, जो सीजीएल 4 की वैकेंसी आपको फरवरी के लास्ट सप्ताह में या मार्च के प्रथम सप्ताह में आने की चांस है और 100% वैकेंसी आएगी। आचार संहिता लागू होने से पहले आपको सीजीएल 4 की वैकेंसी देखने को मिलेगी, इसलिए हैरान और परेशान होना नहीं है, आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और आपको YouTube पर हम भी तैयारी करवा रहे हैं, 12 बजे दिन में लाइव आते हैं और नाइट पे आपको 10 PM में लाइव आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट सीजीएल 4 की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, जो अभी तैयारी नहीं लगे हैं, वो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास किस टाइम चाहिए, 12 बजे दिन में चाहिए या नाइट में 10 PM में चाहिए, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्योंकि सीजीएल 4 की वैकेंसी 2000 से 2500 के बीच में आ रही है और लास्ट फरवरी के लास्ट सप्ताह में और मार्च के प्रथम सप्ताह में यह वैकेंसी हर हाल में एनी हाउ आपको देखने को मिल जाएगी, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देने वाले थे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।